लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर मेल और फीमेल दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल सेल जो होता है उसको बोलते हैं स्पर्म, एंड फीमेल सेल इज कॉल्ड एग्स या ओवम। स्पर्म टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जबकि ओवम ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है। इन दोनों का जो फ्यूजन होता है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर बाहर हो रहा है तो कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हमें ये चीज़ पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज सेक्सुअल। द मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज ऑफ सेक्सुअल टाइप, ए सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं और मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी अलग अलग ऑर्गन के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। मेल जो है उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल जो है उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो मेल इंडिविजुअल जो होते हैं वो बॉयज़ होते हैं जबकि फीमेल इंडिविजुअल कौन होती है, गर्ल्स होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल हमने पढ़ा था अभी। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, इंडिविजुअल के अंदर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल। लेकिन बाईसेक्सुअल क्या होते हैं, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कहलाता है बाईसेक्सुअल। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर तो एक ही होता है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो इंटरनल होता है, पता है हमें, ये पढ़ा था हमने अभी। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। यहाँ पे हमें डायग्राम दे रखा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, कि सबसे पहला पार्ट जो है वो टेस्टिस, ये वाला जो पार्ट दे रखा है। टेस्टिस दो पेयर हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म एंड ऑल्सो प्रोड्यूस अ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। देखो ये जो टेस्टिस बता रखी है, टेस्टिस क्या करती है, मेल गैमेट जो स्पर्म हम बात कर रहे हैं, स्पर्म को बनाने का काम करती है टेस्टिस। ये पेयर में होती है, पेयर में मतलब जोड़े में होती है, दो होती है, और इसका काम होता है स्पर्म बनाने का। और हार्मोन, हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा है सेवन्थ स्टैंडर्ड में, तो ये मेल सेक्स हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस करने का काम करती है। और मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नाम ये याद रखना है आपको, टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टिस है ये लोकेटेड होती है ये स्क्रोटल सैक जो होता है उसके अंदर, टेस्टिस मिलती है, मतलब टेस्टिस अंदर की तरफ होती है, उसकी बाहर की तरफ जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं सैक्रोटल सैक। टेस्टिस जो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करती है, क्योंकि स्पर्म्स का जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। हर जो स्पर्म है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। जो टेल होती है, टेल मतलब पूछ है ना, तो जो टेल होती है स्पर्म की वो उसको हेल्प करती है स्विम करने में, स्विम करके मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सैक्रोटल सैक जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट के जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस ये एक लॉन्ग लॉन्ग नैरो कॉइल्ड ट्यूब अटैच टू द सर्फिस ऑफ टेस्टिस वेयर स्पर्म्स आर टेम्पररी स्टोर्ड। तो ये जो एरिया बता रखा है एपिडिडिमिस, ये एक लॉन्ग लंबी ट्यूब जैसी होती है और ये वो एरिया है जहाँ पर स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करके रखा जाता है। स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट को वेस्ट डिफरेंस भी बोलते हैं, ये स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुँचाता है। यूरेथ्रा जो है वो स्पर्म और यूरिन दोनों को सेम टाइम पर ट्रांसपोर्ट कर, अलग अलग टाइम पर ट्रांसपोर्ट करता है। सेक्स ग्लैंड जो है वो एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जो लिक्विड है ये स्पर्म के साथ मिलकर बनाता है सीमन। पेनिस जो है
आप इसके डायग्राम में देखोगे जो सेंट्रल पार्ट बता रखा है वो है पेनिस, ये अलाउ करता है यूरिन को सिमन, यूरिन और सिमन दोनों को पास करने के लिए मैन की बॉडी से, मैन की बॉडी से सिमन को वेजा, वुमेंस की बॉडी में जो वेजाइना है वहाँ पर सीक्रेट कर दिया जाता है, जिससे कि जो पर्पस है हमारे रिप्रोडक्शन का, मेटिंग, वो हो सके। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन मेल ह्यूमन देयर इज़ ओनली वन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड स्पर्म टू पास आउट फॉर द बॉडी। तो मेल्स के अंदर जो स्पर्म और यूरिन दोनों के पास होने के लिए एक ही सेम पॉइंट होता है, वहीं से दोनों चीज़ें पास होती है, सेपरेट नहीं होते हैं ये। अच्छा, ये तो था मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। देखो यहाँ पे डायग्राम हमें गिवन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ओविडक्ट, ओवरी, वेजाइना एंड यूटेरस। ये डायग्राम देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम दिया हुआ है ये, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, ओविडक्ट, ओवरी, वेजाइना और यूटेरस। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर पेयर ऑफ ओवरीज दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट सेक्स सेल्स, दैट इज ओवा और एग्स। ओवम इज अबाउट 1 mm इन डायमीटर। ठीक है, जो ओवरीज होती है ये पेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे हमने मेल में पढ़ा था ना, मेल में टेस्टेस होते हैं वो भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ओवरी फीमेल के अंदर ओवरीज भी पेयर में प्रेजेंट होती है, दो होती है। इसी के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, जो ओवा या फीमेल एग जो है वो लगभग 1 mm होता है डायामीटर में, मतलब बहुत ही छोटा होता है साइज में। द ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब देखो, मेल सेक्स हार्मोन का नाम हमने पढ़ा था क्या था, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस उसको प्रोड्यूस कर रहा था। उसी तरह जो फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये ओवरीज प्रोड्यूस करती है। जो ऑर्गन हमारे गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है वो ही सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों के नाम याद रखने, मेल के अंदर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को क्या बोला जाता है, ओविडक्ट भी बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में बता रखी है, ये फैलोपियन ट्यूब जैसी दिख रही है। ये ओवम को ले जाती है और उसको यूटेरस में पहुँचा देती है, मतलब ओवरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और फिर ओवरी से वो फैलोपियन ट्यूब उसको कहाँ ले जाएगी, ये जो यूटेरस दिख रहा है यहाँ पर ले जाएगी। फैलोपियन ट्यूब के अंदर फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं और ये एक फनल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर खुलते हैं। ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कहाँ खुलते हैं आगे जाके, एक फनल शेप के अंदर खुलते हैं। फनल शेप ये जो यूटेरस का शेप है उसके लिए बोला गया है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये ओवम को रिसीव करते हैं जैसे ही वो ओवरी के बाहर आता है। ठीक है, ओवरी के बाहर ओवम आएगा तो ये जो फिंगर जैसे हैं ये इसको लेंगे और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है एग का स्पर्म से वो कहाँ पर होता है, वो होता है ओविडक्ट या ये जो फैलोपियन ट्यूब जो है इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट जो है वो मिलते हैं। यूटेरस इज़ अ बैग वर्म वेयर द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ बेबी। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन हो जाता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है बेबी का वो जो ये यूटेरस वाला एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर होता है। 9 months तक जो बेबी है वो यूटेरस के अंदर रहता है। कर्विक्स इज़ अ रिंग ऑफ मसल दैट क्लोजेज द लोअर एंड ऑफ द यूटेरस। फिर ये जो कर्विक्स वाला जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है ये एक रिंग, मसल की रिंग बनी हुई होती है जो कि यूटेरस को क्लोज करने का काम करती है। वेजाइना, लास्ट पार्ट जो बता रखा है, वेजाइना एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि यूटेरस तक जाता है। वेजाइना स्पर्म को रिसीव करता है और जब बेबी का बर्थ होता है तब भी ये बर्थ कैनाल की तरफ काम करता है क्योंकि बेबी जो है वो यूटेरस के अंदर होता है और इसी वेजाइना के थ्रू होके वो बाहर आता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर यूरिन पास आउट करने के लिए वेजाइनल ओपनिंग दोनों अलग अलग होती है, जबकि मेल के अंदर सिमन और यूरिन दोनों के लिए ही सेम ओपनिंग है। फिर नेक्स्ट है वुल्वा। वुल्वा जो वेजाइना की जो आउटर ओपनिंग होती है वो कहलाती है वुल्वा। द मेल प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म इन हिज टेस्टिस ईच डे। द स्पर्म इज अ सिंगल सेल्ड मेल गैमेट विच हैज 3 parts, अ हेड विद अ न्यूक्लियस, अ मिडल पीस एंड अ लॉन्ग टेल। मेल जो है वो एक दिन में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म सिंगल सेल्ड होता है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ होता है
और इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड होता है जिसके अंदर, हेड वाला पार्ट जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर एक मिडल वाला पार्ट होता है और पीछे एक लंबी टेल होती है। नेक्स्ट पेज पे हमें इसका डायग्राम गिवन है। द स्पर्म्स आर मोटाइल, स्पर्म जो होते हैं मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। द फीमेल प्रोड्यूसेस ओवा और एग्स इन हर ओवरीज, ईच ओवम इज राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द साइज ऑफ पिन्स हेड, इट इज़ मैनी टाइम्स लार्जर दैन द स्पर्म। मेल तो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, आगे वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हेड, बीच वाला मिडल प्लीस या नेक, और पीछे वाला ये जो लंबा स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेल। हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर जो फीमेल एग जो प्रोड्यूस करती है अपनी ओवरीज में प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं ओवम, ये राउंड होता है शेप में, हमारे जो पिन का जो सिरा होता है, पिन का जो हेड होता है उसके जितना छोटा होता है उस साइज का होता है ये, लेकिन ये स्पर्म की साइज से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वन ओवम और एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज इनटू द ओविडक्ट अप्रॉक्सीमेटली एवरी 28 डेज। हर दिन में स्पर्म तो मिलियंस ऑफ स्पर्म बन रहे हैं डेली, लेकिन ओवम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हर 28 डेज बाद, कोई भी दो पेयर होता है एवरी ओवरी का, कोई भी एक ओवरी 21 डेज बाद एक एग को रिलीज करती है। स्पर्म की तरह ही एग जो है वो भी सिंगल सेल्ड होता है, एक सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में। अब मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको अंडरलाइन कर लो डेफिनेशन को। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इन द ओविडक्ट। ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, क्योंकि ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है ओविडक्ट। During this process, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. As a result, the fertilized egg, also called zygote, is formed. Zygote is the beginning of a new individual. So, अब ये जो fertilization का process होता है, इसके अंदर sperm के अंदर क्या था, sperm के head वाले part में जो nucleus था वो egg के साथ fuse होता है और एक single nucleus बना देता है। मतलब देखो यहाँ पर जैसे diagram में इसका भी nucleus है, इसका भी nucleus है, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे, जिसको हम बोल देंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है, और इसी फर्टिलाइजेशन के कारण बनता है जाइगोट। जाइगोट एक नए इंडिविजुअल की बिगनिंग है, मतलब एक जो नया बेबी डेवलप होगा वो इसी जाइगोट से डेवलप होता है। यहाँ पर ये डाइग्राम देखो फर्टिलाइजेशन का, ये एग है, एग के अंदर ये स्पर्म आ रहा है और स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस मिलके एक ही न्यूक्लियस बनाएंगे, और फिर इसके अंदर रिपीटेड डिवीजन होता रहता है और ये बड़ा होता जाता है। जैसे ये एग बता रखा है, ये स्पर्म है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिगन्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। एक बार जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर वो किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। इट स्टार्ट्स dividing repeatedly to produce a ball of cells as shown in figure 9.9. This developing structure is called the embryo. देखो embryo क्या होता है, जैसे कि अपन यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, egg ovum था, ovum के साथ sperm मिला, दोनों के nucleus fuse हो गए आपस में, इन दोनों ने मिलकर एक nucleus बना दिया। उसके बाद इसके जो सेल है वो क्या करेंगे, नंबर में रिपीटेडली डिवाइड होते रहेंगे और डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, ये embryo बनाएंगे। एम्ब्रियो जो होता है ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो खुद को जो यूटेरस की वॉल होती है उससे अटैच कर लेता है ताकि उसके अंदर और डेवलपमेंट हो सके। फिर वो अगले 9 मंथ तक डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का, वो अगले 9 मंथ तक होता रहता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट्स इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड एंड अदर। ये जब इसके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है 9 महीने तक बेबी का, उस टाइम पर उसके अंदर सेल का डिवीजन होता है, और इस सेल के डिवीजन होने के साथ साथ उसके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि हैंड, लेग और दूसरे पार्ट भी बनने लगते हैं। दस व्हेन इन द एम्ब्रियो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, इट इज़ कॉल्ड फीटस। तो एम्ब्रियो को फीटस कब बोलेंगे, जब हमें उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स दिखने लग जाए, तो वो कहलाएगा फीटस। एट द टाइम ऑफ बर्थ द फीटस वे अबाउट थ्री केजी। और जब बर्थ होता है बच्चे का, तो जो फीटस है उसका लगभग वेट होता है 3 किलो के आसपास।
नेक्स्ट हमें एक डायग्राम गिवन है, जाइगोट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट बता रखा है एम्ब्रियो का जाइगोट के अंदर। देखो जैसे ये जाइगोट है, ओवरी से एग यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। फिर ये जब जाइगोट है वो मिल यहाँ पर आकर यूटेरस के अंदर रहता है, इसके अंदर एम्ब्रियो होता है और ये 9 महीने तक यहीं पर रहता है। फिर ये फीटस बता रखा है यूटेरस के अंदर। यहाँ जो हम ये यूटेरस की बात कर रहे हैं, ये यूटेरस के अंदर इस तरह से 9 मंथ तक बेबी रहता है। डू यू नो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसके अंदर एग्स का जो फ्यूजन करवाया जाता है स्पर्म के साथ, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जाता है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं करा रहे हैं, आउटसाइड कराते हैं। दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अंडरटेकन इन सर्टेन केसेज वेयर ओविडक्ट ऑफ द वुमेन आर ब्लॉक्ड एंड देयरफॉर दीज वुमेन कैन नॉट बियर बेबीज। ये जो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबीज है, ये उन लोगों में करवाए जाते हैं जिनके अंदर फीमेल में जो ओविडक्ट है, अगर वो ब्लॉक हो गई है तो ये चीज़ करी जाती है, क्योंकि ओविडक्ट के अंदर ही बेबी रहेगा और अगर वहाँ पर मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है ओविडक्ट में, तो वो जो वुमेन है वो बेबीज़ को नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन। इन सच केसेज द फ्रेशली रिलीज ओवम एंड द स्पर्म आर टेकन एंड कैप्ट टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। तो जब वो ओविडक्ट अगर ब्लॉक होती है तो स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या किया जाता है, फ्रेशली रिलीज ओवम और स्पर्म को एक टेस्ट ट्यूब में साथ में रखा जाता है कुछ घंटों तक, ताकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो पाए। इन सच फर्टिलाइजेशन अकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट वीक एंड देन इंट्रोड्यूसेस इनसाइड द यूटेरस ऑफ द मदर। फिर उसके बाद जैसे मान लो कुछ घंटे तक हमने उसके अंदर रखा टेस्ट ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट को कुछ हफ्ते के लिए, लगभग हफ्ते के लिए टेस्ट ट्यूब में ही रखा जाता है जहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता है। फिर एक हफ्ते बाद उस जाइगोट को मदर के यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो नॉर्मल तरीके से ही यूटेरस के अंदर होने लग जाता है। बेबीज ग्रोन थ्रू द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। और जिन जो बेबीज इस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कहलाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। द टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग। ये जो टर्म है वो मिसलीडिंग है, एक्चुअल हमें चीज़ नहीं बताती है। बेबीज आर नॉट ग्रोन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। जैसे हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज, तो जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ी ग्रो हो रहे हैं, सिर्फ उनका फर्टिलाइजेशन जो है या इनिशियल डेवलपमेंट जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर करा जाता है। बाकी का जो बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है वो तो मदर के यूटेरस में ही होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी भले इसका नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यंग वन टू एडल्ट्स। लेट अस लुक एट फिगर 9.1। इट शोज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हमने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ा था कि बटरफ्लाई क्या करती है, लीव के ऊपर एग देती है, फिर एग के अंदर से लार्वा निकलता है कैटरपिलर, फिर वो इमोटाइल प्यूपाइल में बदल जाता है और प्यूपाइल से बाद में बटरफ्लाई निकलती है एडल्ट। तो ये जो एडल्ट डेवलप हो रहा है एग से, इस फॉलोइंग सीक्वेंस में होता है। एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बनता है। सिल्क वॉर्म भी इसी तरह का सेम लाइफ साइकिल फॉलो करता है, उसमें भी लार्वा और प्यूपा जो होते हैं वो एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखते हैं। फ्रॉग का केस अगर हम देखें तो फ्रॉग के अंदर 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहली होती है एग, दूसरी होती है टैडपोल और तीसरी होती है एडल्ट। बटरफ्लाई और सिल्क वॉर्म या तक कि फ्रॉग और फ्रॉग के अंदर भी जो टैडपोल है ये अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखते हैं। इस तरह के जो बिल्कुल एकदम सडन चेंजेस जो होते हैं, जिसके अंदर पिछली स्टेज से अगली स्टेज का इंडिविजुअल बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का एडल्ट में, वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। या डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो इसकी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा और टैडपोल इनटू एन एडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि पिछली स्टेज वाले जो इंडिविजुअल है वो एडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं, ऑल ऑफ सडन उस लार्वल स्टेज में इतने चेंजेस हो जाते हैं कि वो एडल्ट जो बनता है वो बिल्कुल पिछले वाले से अलग दिखता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस।
नेक्स्ट पेज पे ये जो डायग्राम गिवन है इसके अंदर हमें लाइफ साइकिल बता रखा है फ्रॉग का, जैसे कि एग है, एग से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, है ना। एग जब डेवलप होते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, फिर ये जो एम्ब्रियो है ये जो पानी के अंदर जो प्लांट है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फ्रॉग जो होते हैं वो उनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है पानी के अंदर, एग और स्पर्म दोनों वो रिलीज़ करते हैं। तो ये जब एम्ब्रियो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ऐसे वाटर प्लांट से जाके चिपक जाते हैं, और इस एम्ब्रियो के एक्सटर्नल गिल्स होते हैं पानी में, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन वो गिल्स के थ्रू करते हैं। तो इनके गिल्स जो होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। ये इनकी जो टेल है, पूंछ जैसा जो स्ट्रक्चर है वो लगातार ग्रो होता रहता है। फिर पहले इसके हाइंड लेग्स आते हैं, हाइंड लेग्स मतलब आगे वाले जो पाँव हैं वो निकलते हैं। इनकी जो टेल होती है उसके अंदर खाना स्टोर रहता है और उसी को उसी खाने को इस्तेमाल करके ये ग्रो करते हैं। फिर इसके दूसरे लेग्स आते हैं, फ्रंट वाले लेग्स आते हैं। टेल जो है वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है और वो किस में बदल जाता है, यंग छोटे फ्रॉग में बदल जाता है। फिर ये यंग फ्रॉग जो है वो ग्रो करके एडल्ट बन जाता है। तो इस तरह से ये जो फ्रॉग है इसका लाइफ साइकिल चलता है।